सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको गेहूं का भंडारण करना बताऊंगी। गेहूं जो साल भर के लिए रखते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे गृहिणी हो, तो उनका गेहूं खराब ना हो, तो आपको मैं बता रही हूँ गेहूं किस तरह से और कैसे रखना चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये टीना का डिब्बा है जिसमें कि पहले के लोग रखते थे, हम लोग भी रखते थे। तो ये जोड़ है इसका, इसके चारों तरफ जोड़ है, ये चारों तरफ इसके जोड़ है। तीन जोड़ों से हवा और बरसात के समय में नमी घुस जाती है। इन जोड़ों के जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ वहाँ काफी गीला हो जाता है गेहूं पूरी तरह से, मतलब इसमें जो पाई या जो भी कीड़े पड़ते हैं गेहूं में वो पड़ जाते हैं। तो आप इस टाइप के डिब्बों में कभी भी गेहूं भंडारण ना करें। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप के डिब्बे में गेहूं भंडारण करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे प्लास्टिक के डिब्बों में आप रख सकती हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक के डिब्बे में कहीं भी जोड़ नहीं रहता है, कहीं भी जोड़ नहीं है। तो इसमें मैं गेहूं आपको रख के दिखा रही हूं कि गेहूं किस तरह से रख के और क्या इसमें डालना चाहिए और कैसे इसको पैक करना चाहिए और इसको कहां रखना चाहिए। आप जब भी गेहूं रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि उस कमरे में आसपास कहीं भी पानी ना हो और खिड़की के पास, जहां से कि पानी का मतलब बरसात में बौछार आ सके, ऐसे जगह आप गेहूं का भंडारण या किसी भी अनाज का भंडारण न करें। तो मैं आपको गेहूं को रख के और अच्छी तरह से इसको पैक करके दिखा रही हूं कि भंडारण कैसे करें। एक भी आपके गेहूं में कोई भी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूं गेहूं भंडारण कैसे करें। तो मैं आपको दिखा रही हूं गेहूं रखना। इस गेहूं को हम अच्छी तरह से पहले धूप में सुखा लिए। जब भी हम बाजार से या किसान के घर से लाते हैं तो इसमें थोड़ी नमी रहती है, इसको हम अच्छी तरह से धूप में सुखा लिए हैं। उसके बाद हम रख रहे हैं गेहूं को डिब्बे में, चौथाई भाग हम गेहूं को डाल लिए हैं। अब इसमें हम इसके सुरक्षा के लिए, वैसे हम अगर कोई भी इसमें दवाई ना भी डालें तब भी इसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा, फिर भी सुरक्षा के लिए हम इसमें सेल्फास एक दवा आती है उसको सावधानी पूर्वक डाल के दिखा रहे हैं कैसे उसको रखते हैं। ये गोली रखी जा रही है, सेल्फास की गोली है। एक कुंटल जैसे गेहूं है आपका, उस एक कुंटल गेहूं में एक गोली सावधानी पूर्वक सूती कपड़े में अच्छी तरीके से बांध देते हैं, बांध के रखते हैं। आप नीम की पत्ती वगैरह भी डाल सकती हैं और ये गोली भी डाल सकती हैं। ये गोली कुछ दिनों में यानी कि 4-6 महीने में पाउडर हो जाता है। तो ध्यान रखें कि बच्चे वगैरह ना पाने पाए, इसको खोल के और कहीं नाली वगैरह में डाल दें। और गेहूं को जब भी आप पिसाएं तो बगैर धोए नहीं पिसाना चाहिए। अब ये जो गोली बंधा हुआ है इसको हम एक दूसरे कपड़े में लपेट देते हैं, जो इसका पाउडर होगा बाद में तो ये गेहूं में झरे ना, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसलिए हम इसको दूसरे कपड़े में लपेट के और इसको हम गेहूं के डिब्बे में रख देते हैं। और बाकी गेहूं हम इसके ऊपर भर देते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाई हूं कि इसमें गोली डाल देते हैं। एक गोली डालने के बाद, ये ड्रम 1.5 क्विंटल का है, फिर भी हम एक ही गोली डालेंगे। तो ये गेहूं पूरी तरह से भर गया है, इसके ऊपर हम ये पॉलिथीन है इसको डाल रहे हैं, जिसमें क्या है थोड़ा बहुत जो भी हवा अगर जाने की गुंजाइश रहेगी तो भी नहीं जाएगा। इसको ऐसे डाल के तब हम बंद करते हैं। ये साल भर के लिए रख रहे हैं इसलिए काफी इसका हम सुरक्षा करते हैं। इसको अच्छे तरीके से लगा के और ठोक देते हैं तो ये दब जाता है। इसमें चूड़ी भी होती है लेकिन ऐसे दबाने से अच्छी तरीके से दब जाता है। तो ये आपका गेहूं पूरे साल के लिए सुरक्षित हो गया। और इसके साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहती हूँ कि जो भी नया गेहूं जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराना गेहूं है तो वो भी धो के ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो नया गेहूं है आप उसको जैसे पिसवाएंगे तो वो काफी गर्म रहता है, जो कि इसमें जो खाद वगैरह डली रहती है जो भी काफी इसमें गर्मी रहता है, जैसे आम वगैरह फल में रहता है गर्मी काफी, इसको भिगो के खाते हैं। उसी प्रकार से अगर आप नया गेहूं इस्तेमाल करें तो गेहूं को रात को धो लें,
और धोने के बाद उसको रात तक रखे रहें, वो फूल जाता है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से सुखा लें, कहा कि अभी तो गर्मी है, उसको अच्छी तरह से सुखा लें, और सुखाने के बाद फिर उस गेहूं को पिसवाएं, तो वो गेहूं कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। जैसे कि मान लो किसी का पेट कमजोर होते, पेट खराब होता है, गर्मियों में कम खाना पचता है, तो वजह होते हैं यही सब जो कि हम जान नहीं पाते। तो गेहूं को आप रात भर मतलब धो के रख दें तो रात भर में जो उसका गर्मी रहता है निकल जाता है, और सुबह उसको अच्छे से सुखवा के फिर उसको पिसवाएं। तो मैं आपको गेहूं रखना बताई हूँ। गेहूं में जब भी आप नीम की पत्ती रखते हैं तो आप ऐसे ही रख देते हैं तो आपको काफी दिक्कत होती है उसको साफ करने में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइप का ये दुपट्टा है पुराना, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये दुपट्टा है, पुराना हो गया है, तो ये काफी झिन्नहा है, यानी काफी इसमें बड़े बड़े छेद हैं। तो हम नीम की पत्ती इसमें रख लेते हैं, यानी कि सूखी हुई नीम की पत्ती, गीली नहीं। इसमें रखने के बाद, अभी हमारे पास है नहीं नीम की पत्ती इसलिए दिखा नहीं पा रहे, सिर्फ बता रही हूँ। इसमें रख के और हम इसको अच्छी तरीके से, जैसे आप बांधते हो ऐसे, नीम की पत्ती को आप अच्छी तरीके से बांध लो, कहीं से भी वो निकले ना, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ऐसे चारों तरफ से हम उसको बांध लेते हैं। और बांधने के बाद फिर हम गेहूं में रखते हैं, यानी कि जैसे हम कुछ गेहूं रखे, फिर ये पोटली है जो नीम की पत्ती की उसको रखेंगे, फिर हम दो चार डलिया गेहूं डालेंगे, फिर हम पोटली रखेंगे, से चार पांच टू पोटली बना लीजिए एक कुंटल गेहूं के लिए। तो आपको गेहूं को मतलब साफ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन गेहूं को आप हमेशा धुल के ही पिसवाएं। तो मैं आपको गेहूं रखना आसान तरीके से बताई हूँ, और जहाँ भी रखें वहाँ हवा न जाता रहे, यानी खिड़की वगैरह न रहे, थोड़ा बंद कमरों में, भंडारण हमेशा बंद कमरों में होता है। इसी तरीके से आप गेहूँ रखिए, आपके गेहूँ में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे ही टिप्स मैं आपको देती रहूँगी, आप आगे भी देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।